जो व्यक्ति दहेज को शादी की एक ज़रूरी शर्त बना लेता है वो अपने शिक्षा और अपने देश दोनों को ही बदनाम करता है और साथ ही साथ पूरी महिला जाति का भी अपमान करता है। ये शब्द हमारे और आपके नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के देश की आज़ादी से पहले के हैं। दहेज के लिए जिन नोटों का इस्तेमाल किया जाता है उन नोटों पर भी गांधी जी की तस्वीर होती है। ये ना केवल हमारी मानसिकता का दुर्भाग्य है बल्कि महात्मा गांधी जी की विचारधारा का बहुत बड़ा अपमान है। 2016 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संसद में एक आंकड़ा पेश किया गया जिसके मुताबिक 2012 से 2014 के बीच दहेज की वजह से तकरीबन 25,000 महिलाओं ने या तो आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या कर दी गई। यानी भारत में प्रत्येक दिन 20 महिलाओं की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2015 में 7634 दहेज हत्या के मामले सामने आए। आंकड़ों का औसत बताता है कि हर घंटे एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दहेज लेने या फिर देने की प्रक्रिया केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है। आजकल इसको भी तकनीकी रूप से विकसित बना दिया गया है। आज सोशल मीडिया पर ऐसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपको आपकी स्थिति के आधार पर कितना दहेज मिल सकता है। ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कानून की बात करें तो यदि किसी विवाहित स्त्री के साथ दहेज के लिए क्रूरता की जाती है तो IPC की धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। और यदि किसी विवाहित स्त्री के साथ क्रूरता की जाती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो IPC की धारा 304B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसमें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ दहेज को शादी की जरूरी शर्त समझा जाता है और शादी में उपस्थित होने वाले लोग दहेज जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध करने के बजाय ये जानने में उत्सुकता रखते हैं कि शादी में कितना दहेज दिया या फिर लिया जा रहा है। हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां पर बेटी का जन्म होने पर माँ बाप को उसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसके दहेज की चिंता सताने लगती है। वो अपनी बेटी की पढ़ाई में होने वाले खर्चे में कटौती करके उसके लिए दहेज का प्रबंध करते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि वे अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देने के लिए जा रहे हैं। हमारा आप सबसे प्रश्न है, क्या कभी हमारे जहन में ये विचार आया कि हम उन शादियों का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है? क्या कभी हमने दहेज जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध करने का साहस किया? और यदि दुर्भाग्य से आपका उत्तर ना है तो कहीं ना कहीं आप भी उस दूषित मानसिकता का शिकार हैं। लेकिन एक बात कही जाती है, इट्स नेवर टू लेट। तो यदि आप उस पुरानी मानसिकता को छोड़कर इस नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पुरानी मानसिकता से सहमत हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और भी वीडियोज़ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूँ कि क्या हम खुद को इतना काबिल नहीं बना सकते कि हम अपना घर, अपने परिवार और अपना खर्चा खुद उठा सकें? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, कुछ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा।